बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम देखेंगे कि जायदाद पर नाजायज़ काबज़ जो है, कब्ज़ा माफिया, उस शख्स से अदालत असल हकीकी जो मालिक है, जिसकी ओनरशिप है, जिसका टाइटल है, जिसका इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, उसको हर्जाना दिला सकती है, और ऐसा कब मुमकिन हो पाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंडर सिविल प्रोसीजर कोड, पर्सन्स वो आर रॉन्गफुली डिप्राइड ऑफ कॉर्पस और एन्जॉयमेंट ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी आर एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फॉर सच डिप्रीवेशन एंड सच कंपनसेशन इज क्लेम्ड इन फॉर्म ऑफ सम प्रॉफिट्स एंड सच प्रॉफिट्स आर नन एज मेंस प्रॉफिट। ठीक है, अगर कोई शख्स नाजायज़ कब्ज़ा करके असल मालिक की जायदाद से मुस्तफीद हो रहा है, असल मालिक वो अपनी रकम वापस ले सकता है। व्हेन पर्सन वाज रॉन्गफुल इन पोजेशन ऑफ सम प्रॉपर्टी हैज रिसीव्ड फ्रॉम एंड फ्रॉम सच प्रॉफिट माइट हैव रिसीव्ड सच प्रॉफिट्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी और माइट हैव बीन रिसीव्ड सच प्रॉफिट्स विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस एंड सच प्रॉफिट्स हैव बीन टुगेदर विद इंटरेस्ट on such profit but such profits did not include those profits which person is in wrongful possession have made due to improvements these profits are called mens profit। ठीक है, जर वसूलात हर जाना इसे बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ मेन्स प्रॉफिट। मेन्स प्रॉफिट इज ओनली फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। मेन्स प्रॉफिट इज इन नेचर ऑफ डैमेजेस। ठीक है, वो इज क्लेम वो कैन क्लेम मेन्स प्रॉफिट व्हेन सम पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देन पर्सन वो इज इंटाइटल टू एक्चुअल पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी कैन क्लेम मेन्स प्रॉफिट। ठीक है, तो इसके साथ अगेंस्ट होम मेन्स प्रॉफिट कैन बी अवॉर्डेड। मेन्स प्रॉफिट कैन बी अवॉर्डेड अगेंस्ट फॉलोइंग पर्सन्स। अगेंस्ट दैट पर्सन वो इज़ इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगेंस्ट दैट पर्सन वो इज़ इन अनलॉफुल पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगेंस्ट सेवरल पर्सन्स वो ज्वाइंटली डिस्पोजेज अ लॉफुल ओनर डिस्पोजेस अ लॉफुल ओनर फ्राम हिज ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी जो शख्स गैर कानूनी काबिज़ है और नाजायज़ कब्ज़ा रखता है, ठीक है, और एक से ज़्यादा भी हों तो उन सब के ख़िलाफ़ अदालत हर्जाना आयद कर देती है, फ़ैसला सुना देती है कि जो बंदा इंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी का, उसको नाजायज़ काबिज़ीन या काबिज़ जो रॉन्गफुल पोजेशन में है, वो इंटाइटल्ड पर्सन को हर्जाना अदा करें, क्योंकि मेंस प्रॉफिट इज़ इन नेचर ऑफ डैमेजेस। हर्जाने की सूरत में ये तसव्वुर किया जाता है। अगेंस्ट होम मेन्स प्रॉफिट कैन नॉट बी अवॉर्डेड। तो मेन्स प्रॉफिट कैन नॉट बी अवॉर्डेड अगेंस्ट द फॉलोइंग पर्सन्स। फर्स्ट है जी, पर्सन हु वाज नेवर इन रॉन्गफुल पोजेशन, पर्सन हु वाज इन राइटफुल पोजेशन। यानी कि जो बंदा कानूनी तौर पर किसी जायदाद का काबिज़ है, तो उसके खिलाफ मेन्स प्रॉफिट नहीं अवॉर्ड करेगी कोर्ट। फिर फोर्थ पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, असेसमेंट ऑफ मेन्स प्रॉफिट। तो मेयर्स फॉर असेसिंग मेन्स प्रॉफिट इज़ दैट प्रॉफिट विच कुड हैव बीन रिसीव्ड और विच हैज़ बीन एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉपर्टी। ठीक है जी, एक तो जो उसने हकीकी तौर पर उस जायदाद से रकम वसूल की है, वो और उस रकम के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है, कोर्ट दोनों के मुतल्लिक फ़ैसला सादर फरमा सकती है कि नाजायज़ काबज़ इसको अदा करे, उस शख्स को अदा करे जो हकदार है उस जायदाद का। ठीक है, फिर आगे फिफ्थ है, पीरियड्स फॉर विच मेन्स प्रॉफिट कैन बी अवॉर्डेड। तो मेन्स प्रॉफिट कैन बी अवॉर्डेड फॉर द पीरियड फॉर ऑफ विच सम पर्सन वाज इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी जितनी देर वो बंदा नाजायज़ काबज़ रहा है, उस देर में, उस दौरानिए में, उस पीरियड में जितना उसने कमा लिया है, वो असेस कर लेगी उसे कोर्ट और उस हिसाब से ऑर्डर करेगी कि वो पे करे। सेकेंड है, मेन्स प्रॉफिट कैन बी अवॉर्डेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स एंड दीज 3 ईयर्स प्रीसीड इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट।
जब दावा दायर कर दिया है उससे लेकर 3 साल तक अदालत जो है वो अदा करवा देगी। कंक्लूड करेंगे, टू कंक्लूड इट कैन बी स्टेटेड दैट असेसमेंट ऑफ मेंस प्रॉफिट इज़ जुडिशियल डिसीजन ऑफ कोर्ट एंड इट इज़ दैट कोर्ट विच पासिस डिग्री एंड इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट टू असर्टन मेंस प्रॉफिट। यानी जो अदालत डिग्री जारी कर रही है, जिसने डिग्री पास की है, वो इसे असेस करेगी, जो एग्जीक्यूट करा रही है, जरा करा रही है, वो नहीं करेगी।